सभी दर्शकों को मेरा प्यार भाई नमस्कार, कैसे हो सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म दीवाना की। यह फिल्म सन 1992 में आई थी और अपने ज़माने की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी, और इस फिल्म के जो गाने थे वो भी सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। उस समय के जो नौजवान थे वो इन गानों को सुनकर तो क्या ही बताएं मैं आपको, एकदम पागल ही हो गए होंगे भाई। गाने थे इसमें ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। और इसके साथ साथ और भी फिल्म के कई गाने थे। तो आज मैं इस फिल्म को आए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं इस फिल्म की कुछ शूटिंग लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई में। तो फिलहाल मैं अभी मरीन ड्राइव नामक एक जगह है मुंबई, बहुत ही खूबसूरत प्यारी जगह है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे समुद्र का शानदार नज़ारा, और यहाँ से अगर हम आसपास में देखेंगे तो देखिए वाह क्या गजब का नज़ारा है। वहाँ पे जो लाइटें लगी हुई है ये है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, और ये इधर से देखिए आप क्या गजब। सुबह का वक्त है और करीब 9 बजने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे इस फिल्म का एक गाना है, ये गाने का तो नाम ही भूल गया मैं, उस गाने का नाम है वो कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। तो इस गाने की शूटिंग मुंबई के भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई है, लेके मरीन ड्राइव से लेकर इधर जुहू बीच तक हुई है इसकी शूटिंग, और इधर इंडिया गेट पे भी हुई है, और एक यहाँ पे फ्लोरा फाउंटेन एक है जगह, वहाँ पे भी इससे गाने की शूटिंग हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुंबई के कुछ प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर इस गाने की शूटिंग वो दिखाऊँगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी हम यहाँ से चलेंगे काफ़ी दूर पैदल, देखिए वहाँ पे आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा, वो तो उस ब्रिज पे फिल्म के कुछ सीन शूट किए गए थे। चलिए पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे फ्लोरा फाउंटेन। लोग यहाँ पे सुबह दौड़ करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, कितना अच्छा लगता होगा, है नहीं। वैसे ये जगह ही इतनी खूबसूरत है, यहाँ पर जब कोई आ जाता है ना एक बार तो जाने का मन नहीं करता है। मैं तो यहाँ पर पिछले 4 साल से आ रहा हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ ना 2-3 घंटे कम बीत जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। और ख़ासकर अगर सुबह और शाम में आए तो मज़ा ही लगे। वैसे दोपहर में तो आते हैं लोग यहाँ, लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब जनवरी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो और मौसम में क्या हाल होता होगा यार। एक सीन को तो मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा था, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं आप, तो इसी दीवार पे शाहरुख खान जी ने बाइक चलाई थी गाने की शुरुआत में ही, और इसी के पास बिल्कुल ये जो रोड देख रहे हैं आप, इस रोड पे भी वो अपने दोस्तों के साथ बाइक लेकर निकलते हुए नज़र आते हैं। चलिए पहले ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए इस जगह पे बाइक चलाई थी शाहरुख खान जी ने इस दीवार पर। वैसे आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में कि दीवार पर बाइक कैसे चलाई, समुद्र के बिल्कुल बगल में दीवार जो काफ़ी चौड़ी है, आई थिंक 4 या 5 फीट की चौड़ाई होगी इसकी। एक सीन यहाँ पर इस रोड पर लिया गया था, देखिए देखिए थोड़ा क्या बहुत परिवर्तन हुआ है इधर। यहाँ पे पहले ये रेलिंग नहीं लगी थी, लेकिन अभी ये रेलिंग लगा दी गई है, बहुत ही प्यारा सीन बन रहा है। और देखिए मैं रोड पे नहीं जा सकता तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, देखिए इस रोड पे चलाई थी उन्होंने बाइक, और पीछे आप कुछ हाँ देखिए पीछे जो 2 बिल्डिंगें दिख रही ना आप, ये आपको दिख रही होंगी थोड़ी सी। गाने की अगली लोकेशन में पहुँच चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे लोकेशन वीडियो तो बन जाएगी लेकिन थोड़ा कम मजा आएगा, क्योंकि इधर से सूर्य भगवान निकल रहे हैं, इधर ही मुझे वीडियो बनाना है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए गाने का एक शूट यहाँ पे लिया गया था, गाने की शुरुआत में ही सीन आता है, तो इस तरह से सीन आता है, शाहरुख खान जी इस तरह से अपनी बाइक लेकर आते हैं, तो देखिए सीन जो है इस तरह से शूट किया गया था, ऐसे पहले कैमरा जो है जूम इन रहता है, उसके बाद फिर जूम आउट होता है धीरे धीरे से। यहाँ पे मुंबई विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य चल रहा है, और यहाँ पे जैसा विदेशों में होता है समुद्र के किनारे गजब की लोकेशन बनी होती है, तो इस तरह का कुछ यहाँ पे इंटीरियर तैयार किया जा रहा है, और इधर पास में यहाँ पे ये अंडरपास निकाला जा रहा है, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। तो भाई साहब मरीन लाइन से 5 रुपये का टिकट लेके मैं आ गया मरीन लाइन रेलवे स्टेशन, यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के अब जाऊँगा मैं चर्च गेट, क्योंकि चर्च गेट के पास में ही है फ्लोरा फाउंटेन। तो इधर चर्च गेट से तो आ गई है ट्रेन, लेकिन इधर से भी आ गई लो, तो ट्रेन भी आ गई है यहाँ पर। मुझे लगता है शायद हर 5 या 3 मिनट में ट्रेन आ जाती है भाई साहब। हाँ
पर भाई साहब ट्रेन में भीड़ बहुत ज़बरदस्त है, बाहर तक लोग लटक करके आ रहे हैं। देखो यहीं रोक दी, सुबह का वक्त है ना तो सुबह के वक्त में भीड़ रहती है। एक बात बताएं भाई साहब, हमारे वहाँ तो 5 रुपया में ना, स्टेशन की तो बात छोड़ो, प्लेटफॉर्म पे पाम ना रखने दें, और यहाँ 5 रुपये में रेलगाड़ी का सफारी कर लो यार, गजब भाई साहब गजब। यहाँ पे अपने वहाँ पे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म का टिकट ही 10 रुपये का होता है, और यहाँ पे क्या बात है। जब चर्च गेट आए हैं तो चर्च दिखाना तो लाजमी है। देखिए यहाँ पे है ये बहुत ही पुराने ज़माने का चर्च, जो मुझे लगता है शायद अंग्रेज़ों के ज़माने का चर्च यहाँ पे बना हुआ है, इसी के नाम पे स्टेशन का नाम रखा गया है चर्च गेट। अभी हम चलेंगे यहाँ से सीधे, उसके बाद फिर लेफ्ट में मुड़ के दिखाएंगे आपको अगली लोकेशन। तब तक मुझे लगी है भूख, और यहाँ पे भाई साहब कई सारी चीज़ें हैं खाने की, तो चलिए मैं पहले कुछ खा लेता हूँ। यहाँ पे नारियल पानी पीने को, लेकिन इधर बड़ा पाव है खाने को, बड़ा पाव ले लेता हूँ। काटकोवर रेलवे स्टेशन पे मैंने एक दिन बड़ा पाव खाया था, तो वहाँ पे मुझे दिया था 13 रुपये का, और यहाँ पे इन्होंने दिया भाई साहब पूरे 20 रुपये का। आगे नहीं जाना यार मुझे, आगे तो ये भुयारी मार्ग है। भुयारी समझते हो, मतलब नीचे होके, हमारे वहाँ जो झीना में जो जगह होती नीचे को, उसको हम बोलते हैं भुखारी। तो ये अंडरपास है चर्च के, अंडरपास, चलो अंडरपास से चलते हैं, ये भी सही है, अंडरपास ऐसे जाके ऐसे निकल जाएंगे। चलिए आपको अंडरपास दिखा देते हैं यहाँ का, भुयारी मार्ग। तो भाई देखो ये यहाँ का भुयारी मार्ग है, ऊपर से बड़ी दिक्कत रहती है, इधर इसमें मार्केट लगता है, और इधर ओ भाई साहब क्या गजब की फीलिंग आ रही, देखो शानदार। ऊपर से निकलते थोड़ी दिक्कत रहती, साधनों से बचना पड़ता, ट्रैफिक लगने का इंतज़ार करना पड़ता, तब क्रॉस करना पड़ता, यहाँ पे आराम से निकलो मस्त। लो जी हम आ गए एकदम बाहर, इधर ही हमें जाना है। अब बताता हूँ मैं आपको कितनी बचत हुई है हमारे, देखो उधर से आते ना तो वो उधर ऐसे जाने वाला और इधर आने वाला, दोनों रोड मुझे क्रॉस करने पड़ते, उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ता थोड़ा सा, लेकिन अभी इंतज़ार किए बिना ही मैंने रोड जो क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे किसी महापुरुष की मूर्ति लगी हुई है, और देखिए चर्च उधर से सही नहीं देख पा रहा था, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए इधर से थोड़ा सा सही देख पा रहा है चर्च, गजब का लग रहा है ना। तो अभी हमें चलना है इधर, ओ माय गॉड, फ्लोर फाउंटेन यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख पा रहा हो क्योंकि मैं वीडियो वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ। और अभी मैंने आपको जो भुयारी मार्ग दिखाया था ना, तो इस तरह के भुयारी मार्ग यानी कि अंडरपास में भी बहुत सारी फिल्मों के शूटिंग, गानों की शूटिंग और एक्शन सीन वगैरह शूट किए जाते हैं, मैंने कई फिल्मों में देखा है, आपने भी शायद देखा होगा, तो मुझे बताना कमेंट करके। और इस तरह के अंडरपास में ना मार्केट भी काफ़ी अच्छा लगता है, मैं गया नहीं था दूसरी साइड में क्योंकि मुझे जाना नहीं था, नहीं तो दूसरी साइड में अच्छा मार्केट लगा था। बाकी मैं भी गलत जगह पर चल रहा हूँ, सड़क पर मुझे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सब लोग जो इधर चल रहे हैं फुटपाथ पे, तो मुझे भी फुटपाथ पे ही चलना चाहिए ना। देखिए मैं रास्ते से जा ही रहा था, तो यहाँ पे मिला मुझे केंद्रीय तार घर, पुराने ज़माने में जो तार भेजते थे, चिट्ठियाँ भेजते थे ना, तो उसका पूरा मैनेजमेंट था इस बिल्डिंग में। और जिस जगह पर अभी मैं मुंबई में घूम रहा हूँ ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती हैं ये जगह, ये बिल्डिंग है। मैं पहुंच चुका हूं फ्लोरा फाउंटेन, इस जगह को हुतात्मा चौक भी कहते हैं। तो चलिए पहले फ्लोरा फाउंटेन के बारे में बात कर लेते हैं। गूगल बाबा से मैंने पूछा कि फ्लोरा फाउंटेन का निर्माण कब हुआ था, तो उसने बताया कि इसका निर्माण जो 1864 में हुआ था, यानी कि आज की डेट में इस फ्लोरा फाउंटेन को बने हुए पूरे 160 वर्ष हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ कि 1869 में इसका निर्माण हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 साल का तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये है भाई साहब फ्लोरा फाउंटेन, देखिए क्या ही खूबसूरत बना हुआ है भाई साहब। इधर से धूप आ रही, चलिए दूसरी तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पूरा मराठी में लिखा हुआ है, मेरे को भी पल्ले पड़ने वाला है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ है, यहाँ थोड़ा सा पल्ले पड़ सकता है, ऊपर लिखा हुआ फ्लोरा फाउंटेन। ज़्यादा डिटेल मैंने इसमें नहीं पढ़ी है, आप चाहें तो यहाँ से पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए फी फंड 4A, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ 47,000 रुपया, इट वाज डिजाइंड बाय नॉर्मन्सो।
चलिए ये छोड़ते हैं, बात मुद्दे की यह है कि 1864 में जब बनकर तैयार होता उस समय इसमें 47,000 रुपये लगे थे, तो आप सोचिए उस समय के 47,000 आज के समय के कितने रुपये होंगे, काउंट करके बताइएगा अगर काउंट कर सको तो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फाउंटेन वाज डेडिकेटेड टू द सिटी ऑन नवंबर 1869। तो मैंने बोला था 64 बता रहा गूगल, ये 69 बता रहा है, तो 4-5 साल में क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे लोकेशन, हाँ चल लोकेशन दिखाएं, तो पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे पहले मुंबई जो है महाराष्ट्र में शामिल नहीं था, पहले ये गुजरात में था, तो कुछ ऐसा आंदोलन हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद फिर गुजरात से मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल किया गया। उस समय यहाँ पे 100 लोगों को अपनी बलि देनी पड़ी, तो मतलब कह सकते हैं कि 100 लोगों की जान गई थी उस आंदोलन में, तो उन सभी के नाम यहाँ, ये पट्टी है तो यहाँ पर सभी के नाम लिखे हुए हैं। और देखिए उसी याद में यहाँ पे इस तरह का ये स्टैचू लगाया हुआ है, और वहाँ पे देखिए उस जगह पर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा, तो वहाँ पे अमर ज्योति जल रही है और ये है जलती रहती है शायद। और इसके जस्ट पास में देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसका नाम है ओरिएंटल बिल्डिंग्स है ना, और इधर भी काफ़ी शानदार बिल्डिंगें बनी हुई हैं, पुराने ज़माने की बिल्डिंग है सभी की सभी। और इसके जस्ट पीछे वहाँ पे देखिए BAC की बिल्डिंग है, लिखा हुआ है ऊपर BAC। चलिए बात कर लेते हैं फिल्म की लोकेशन के बारे में। तो गाने में यहाँ पे करीब 10 से 12 सेकंड का सीन शूट किया गया था, और मुझे लगता है शायद दीवाना के साथ साथ और भी कई सारी फिल्मों के सीन यहाँ पे शूट किए जा चुके हैं। तो जिस समय यहाँ पे दीवाना की शूटिंग हुई थी वो समय था 1994, यानी कि करीब आज से 32 साल पहले उस फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। नहीं, 32 साल पहले तो फिल्म आई थी, शायद 33 साल पहले यहाँ पे शूटिंग हुई होगी। उस समय देखिए यहाँ पे जो रेलिंग लगी है ना, ऐसी इस प्रकार की कोई रेलिंग नहीं थी, उस समय यहीं पे अपनी बाइकें खड़ी कर रही थी शाहरुख खान और उनके दोस्तों ने, तब यहाँ पे गाने का सीन जो शूट किया गया था। वो किधर से किया गया था वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे शायद मेट्रो का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से शायद प्रॉपर लोकेशन ना देख पाए, थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा दिखाने की। देखिए फिल्म का सीन जो इस तरह से यहाँ पर शूट किया गया था, उसमें यहाँ पर शाहरुख खान अपने दोस्तों के साथ आते हैं, बाइक खड़ी करते हैं और यहीं पर अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाते हैं लोगों को। तो इस तरह से सीन लिया गया था, उसमें देखिए थोड़ा सा इस बिल्डिंग को यहाँ तक लिया गया था इस तरह से, बाकी देखिएगा थोड़ा सा मैनेज करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर भी काम चला तो थोड़ा पीछे नहीं जा सकता, और अगर वाइडिंग में लूँगा तो फिर थोड़ा मज़ा कम आएगा। इस तरह से यहाँ पर गाने का सीन जो है शूट किया गया था। चलिए अब मैं आपको थोड़ा गहराई से फ्लोरा फाउंटेन दिखा देता हूँ नज़दीकी से, इसकी बारीकियाँ देखिए आप। अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित ये फ्लोरा फाउंटेन अपने आप में एक अद्भुत कला है। देखिए यहाँ पे ये फवारे चलते हैं, लेकिन पता नहीं कब कब चलते हैं, अभी तो यहाँ पे देखिए भाई साहब सफाई का काम चल रहा है लगातार। इस तरह की यहाँ पे मूर्तियाँ डिज़ाइन की हुई हैं, ये देखिए क्या गजब की कर भाई साहब, 47,000 रुपये उस ज़माने में लगे थे, तो आप सोच सकते हैं कि 47,000 रुपये बहुत होते थे भाई उस समय, बहुत बहुत ज़्यादा। इधर महिला बैठी है कुछ लेकर के, और चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको चारों तरफ से घुमा करके। इधर भी शायद है कि ये महिला की मूर्ति है, ने भी हाथ में कुछ ले रखा है। अच्छा मतलब चारों तरफ शायद महिलाएं ही बैठी हुई हैं, इधर भी एक महिला बैठी हुई है, शायद हाथ में कुछ फूलों का गुलदस्ता है या फिर क्या है, कुछ पेड़ हो सकता है वो लगी हुई। ये है सिर्फ भारतीय नारी, और बाकी जो नारियां हैं आसपास में जो देखने को मिल रही हैं ये शायद सब परदेशी हैं, ऐसा मुझे लग रहा, बाकी आप अपनी राय दीजिए। तो भाई गाने की शूटिंग तो और भी कई जगह पर हुई थी, लेकिन एक ही वीडियो में सारी जगह दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब जगह अलग अलग लोकेशन पर हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 1, 2 और 3 करीब 3 लोकेशन दिखा दी, उसके साथ साथ मुंबई की जो हेरिटेज साइट हैं उसमें भी, उसकी मतलब काफ़ी सारी बिल्डिंग है, मैं आपको इस वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय दीजिए कमेंट में, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को बस समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।